News 18, India. के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर राज्य की सियासत गर्म है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि वो अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने अपने आज के पहले से तय सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले वो चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये अटकलें मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी संगठन में बदलाव के बाद शुरू हुई है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसके बाद से ही कमलनाथ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी और इन अटकलों को बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान ने और तेज कर दिया है। तो देखिए, अटकलों का बाजार गर्म है क्योंकि सूत्र यही बता रहे हैं कि कमलनाथ आज दिल्ली रवाना हो सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि कमलनाथ और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब कमलनाथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं और सोनिया गांधी से वो मुलाकात करेंगे क्योंकि नाराजगी लगातार कमलनाथ की तरफ से सामने आ रही थी, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर हो या राज्यसभा में जिस प्रतिनिधित्व की वो तलाश कर रहे थे वो प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिला है। ऐसे में आप तीसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं कि देखिए नकुलनाथ की जो ट्विटर प्रोफाइल है उसमें से कांग्रेस का जो चिन्ह है वो हटा दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे थे उससे पहले भी इस तरीके के चेंज जो है वो प्रोफाइल में हुए थे। अब ये तीन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी स्थिति फिलहाल क्या नजर आ रही है। स्थिति यही नजर आ रही है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, नकुलनाथ उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जब नाराजगी कमलनाथ की तरफ से सामने आ रही थी तो उन्होंने विधायकों के साथ एक बैठक भी की थी। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नकुलनाथ या कमलनाथ वही बीजेपी में शामिल होंगे क्योंकि छिंदवाड़ा एकमात्र सीट है जो नकुलनाथ के पास है और ऐसे में इसी सीट को पक्का करने के लिए बीजेपी को नकुलनाथ के आने का के बाद फायदा हो सकता है। और अब इन्हीं अटकलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को महज अफवाह बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, उनसे कल ही मेरी बातचीत हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस शख्स ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी ऐसा शख्स सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी का परिवार छोड़ ही नहीं सकता। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और मेरे दोस्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मनोज, मैं सबसे पहले आप